फिटनेस सेंटर हुए अनफिट, फिटनेस सेंटर हुए हिट विकेट, फिटनेस सेंटर पर सख्त हुआ परिवहन विभाग, 13 फिटनेस सेंटर 3 माह तक किए निलंबित, जांच में मिली कई अनियमितताएं, गाइडलाइन की उड़ाई जा रही थी धज्जियां, प्रदेश भर के फिटनेस सेंटर अनफिट हो गए हैं, परिवहन विभाग की जांच में 13 फिटनेस सेंटर हिट विकेट हो गए हैं, जांच में विभाग को यहां पर कई गड़बड़ियां मिली, फिटनेस सेंटर पर गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, परिवहन विभाग ने ऐसे 13 फिटनेस सेंटर्स को 3 माह के लिए निलंबित कर दिया है। खास बात यह है कि कई फिटनेस सेंटर की जांच करना अभी बाकी है, ऐसे में आने वाले दिनों में कई और फिटनेस सेंटर्स पर गाज गिर सकती है। हादसों में कमी लाना चाहता है परिवहन विभाग, सड़क पर फिट वाहन चलाना चाहता है परिवहन विभाग, निजी फिटनेस सेंटर्स राह में बन रहे हैं रोड़ा, बिना टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट कर रहे हैं फिटनेस जांच, बिना वाहनों के ही दे रहे हैं फिटनेस सर्टिफिकेट। दरअसल प्रदेश में सड़क हादसों में कमी लाने और फिट वाहनों के संचालन के लिए परिवहन विभाग ने फिजा 2018 पॉलिसी बनाई थी। इसका उद्देश्य ये था कि वाहनों की फिटनेस ऑटोमेटिक मशीनों से की जा सके, लेकिन अभी यही निजी फिटनेस सेंटर्स विभाग के लिए गले की फांस बन चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये फिटनेस सेंटर्स टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट अपलोड किए बिना ही फिटनेस प्रमाण पत्र दे रहे थे। अधिकारी तब भौचक्के रह गए जब उन्हें पता चला कि बिना वाहन आए ही फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया गया। आपको बता दें कि जनवरी में 10 और इस माह में अब तक 3 निजी फिटनेस सेंटर्स पर कार्रवाई हो चुकी है। बहरहाल परिवहन विभाग ने गड़बड़ी करने वाले फिटनेस सेंटर्स पर कार्रवाई कर सुखद पहल की है। अब ये फिटनेस सेंटर्स अनफिट वाहनों को मौत का लाइसेंस नहीं दे पाएंगे। हालांकि कई बार देखने में आता है कि कड़ी कार्रवाई के बाद भी फिटनेस संचालक सेटिंग बिठाकर फिर से अपना धंधा चालू कर लेते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार ये कार्रवाई खाना पूर्ति तक ही सीमित रहती है या फिर विभाग कड़ा संदेश देता है। महानगर टाइम्स ब्यूरो रिपोर्ट।